जीवन, जहाँ एक तरफ कोरोना से पूरे भारत में दहशत फैलती जा रही है, तो वहीं कोरोना के से जुड़ी कई सारी भ्रांतियाँ सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें एक भ्रांति का आज मैं जिक्र करना चाहूँगी। एक भ्रांति ये सामने आई है, लोगों का कहना है कि अगर रामायण की बाल कांड में बाल मिलता है और उस बाल को पानी में भिगो कर उसका पानी अगर आप पीते हैं तो आपको कोरोना नहीं होगा। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगी कि ऐसी भ्रांतियों पर विश्वास ना करें, ये बिल्कुल गलत है। जब तक WHO या सरकार द्वारा कोई प्रमाण नहीं आ जाता, इन भ्रांतियों को ना माने। और एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर बाल के पानी पीने से कोरोना नहीं होता तो जो देश में पूरी दुनिया भर में इतने कोरोना के केसेस आए हैं वो भी नहीं होते? बोलो, फिर ग्लास में पानी डालते, बाल डालते और पी जाते। और ऐसे तो आप लोग बड़ा झंझट करते हो कि RO का पानी चाहिए, प्योरीफाइड वाटर चाहिए, और अब जरा सा भी कचरा हुआ तो नहीं पियोगे, लेकिन अगर आप बाल का पानी पिलाएंगे तो आप पी लोगे। ठीक है, चलो फिर आपकी बात मान लेते हैं, आपका दिल रखने के लिए मान लेते हैं कि बाल से ये बाल वाला पानी पीने से कोरोना नहीं होता। लेकिन मैं आपको चैलेंज करती हूँ, कोई एक शख्स ऐसा हो जो मुझे आके कहे, मुझे बताए कि मैंने ये बाल वाला पानी पिया है और मुझे कोरोना नहीं होगा। चलिए चलते, अगर कोई ऐसा शख्स है तो आइए। अगर कोई ऐसा शख्स है जो बोल सकता है कि मैंने बाल वाला पानी पिया है, मुझे कोरोना नहीं होगा, चाहे फिर मैं कोरोना पीड़ित पेशेंट के साथ एक थाली में बैठ के खाना भी क्यों ना खा लूँ, तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। लेकिन तब तक इन भ्रांतियों पर विश्वास ना करें, अफवाहें ना फैलाएं, बस सावधानी बरतें। जय हिंद, जय भारत।